गुड इवनिंग एवरीवन। टोरिन वेल्थ के 10 ईयर कम्प्लीशन के स्पेशल ओकेजन में सबसे पहले हर एक व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। और आज इस ओकेजन पे हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम। ही इज़ अ सीईओ ऑफ सुंदरम म्यूचुअल फंड। काफ़ी सारे बिजनेस चैनल और न्यूज़ आर्टिकल्स में आपने उनको सुना या देखा ही होगा। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स के एंड से कुछ क्वेश्चंस उनको पूछना चाहूँगा। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2022 में सेंसेक्स या निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न के साथ ईयर एंड किया, लेकिन काफ़ी सारे ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रिटर्न फ्रॉम 15-20% नेगेटिव रहे, इंक्लूडिंग नैसडैक, डाउ जोन्स। तो इंडिया के लिए कौन सा वो फैक्टर था जिसकी वजह से एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न मिला इंडिया में? कि एक्चुअली FIIs ने पूरी वर्ल्ड में सेलिंग किया था। करेक्ट। और इंडिया में भी सेलिंग हुआ था टिल जून। करेक्ट। जुलाई टू नवंबर FIIs का बाइंग थोड़ा हुआ, तो क्योंकि तेल की दाम इंडिया के लिए बहुत मायने रखती है, और तेल का दाम 125 से 80 डॉलर के लेवल पे जो गिरने लगा, उसके कारण थोड़े बहुत FIIs रिटर्न हो गए। तो वाकई मार्केट में जहाँ पे तेल एक्सपोर्टर्स थे वहाँ से पैसा निकल के हमारे मार्केट में आने लगा, तो थोड़ा बहुत जो पैसा वापस आया जुलाई टू नवंबर, वो एक कारण था इंडियन मार्केट में गिरावट कम। और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट, उससे भी और एक इम्पोर्टेंट चीज थी कंसिस्टेंट डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट। रिटेल इन्वेस्टर्स जो उन्होंने अभी तक 13,000 करोड़ तक SIP बढ़ा दिया, तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास पैसा इतना आया, तो उनको भी जब भी FIIs बेचे थे खरीदना पड़ा, वैसे बाकी वर्ल्ड के इकोनॉमीज ने डोमेस्टिकली सडन इतना सपोर्ट नहीं आया। तो ये दोनों चीज। ओके, तो रिटेल इन्वेस्टर का काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा यहाँ पे। तो सर, आपने बोला कि FIIs ने सेलिंग की, तो इंडिया स्पेसिफिक कोई रीजन था या अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई है इन इमर्जिंग मार्केट्स? देखिए, इमर्जिंग मार्केट को एक ही क्लास में नहीं डाल सकते, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट ब्रॉडली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट होती है, और इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है। Correct. क्योंकि 83% हम अपना तेल का रिक्वायरमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, वेरस ब्राजील, रशिया, ये सब कमोडिटी ऑयल के एक्सपोर्टर्स है। तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो मैंने कह रहा था कि सेलिंग हुई थी इंडिया में, वो तेल के दाम के बढ़प के कारण, वही टाइम में वो पैसा ब्राजील और उस मार्केट में चला गया। करेक्ट। तो सभी इमर्जिंग मार्केट एक साथ नहीं होते हैं। करेक्ट। तो ये हिसाब से आप इंडिया एक समझते कि राइजिंग तेल में इंडिया से पैसे निकलेगा, फॉलिंग तेल से इंडिया में पैसा आएगा। राइट। सो म्यूचुअल फंड में पिछले काफी सालों से, स्पेशली कोविड के बाद, काफी सारे यंग इन्वेस्टर ऐड हुए हैं, तो फॉर दोज यंग व्यूअर्स आपकी क्या एक टेक होगी आने वाले टाइम में वेल्थ क्रिएट करने के लिए? तो बात बहुत सिंपल है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, क्योंकि आपको FD या ऐसे चीज़ों से इन्फ्लेशन का प्लस माइनस 1-2% ही आपको इधर नेगेटिव रिटर्न मिलेगा पॉजिटिव। इक्विटी मार्केट ऐसी कंसिस्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स कमोडिटी प्रोड्यूसर्स विच आर लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, तो सीधा वो बेनिफिट आपको पोर्टफोलियो में आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली बीट करना है, जो शक्ति इक्विटी मार्केट में है, नंबर वन। करेक्ट। नंबर टू चीज ये है कि लॉन्ग टर्म में यह प्रूव हुआ है कि एक देश की इक्विटी मार्केट की बढ़त नॉमिनल GDP उस देश के साथ लॉन्ग टर्म में टैली होता है। 2 साल, 1 साल, 3 साल, 6 महीने इसमें शायद ना हो, मगर एक 5, 10, 15 साल की टाइम फ्रेम में नॉमिनल GDP, और इंडिया में आजकल क्या है कि 6% की GDP की बात हो रही है, 6% इन्फ्लेशन, तो 12% नॉमिनल GDP, तो 12% अगर इन्फ्लेशन 6% है, आपको 6% अल्फा मिल रहा है। तो इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपको एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न का आशा रख सकते हैं, क्या कि कंसिस्टेंटली आपको मार्केट में रहना है, नंबर वन। और नंबर टू, टाइम मार्केट में आपके पैसे को काम करने के लिए आपको वक्त देनी चाहिए, उसको टाइम करके आज मेरे को 20% प्रॉफिट हो गया, मैं निकलूंगा, फिर कल वापस आऊंगा, ऐसी चर्निंग से आपको नुकसान ही हो सकता है। तो स्टे इन्वेस्टेड, कंसिस्टेंटली आपके पैसे को काम करने का मौका दीजिए। सो व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम होराइजन के भाई इतने साल तो रखना ही चाहिए, काइंड ऑफ 5 years, 7 years, 10 years? देखिए, मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली हर निवेश जो आप कर रहे हैं उसका एक गोल होना चाहिए, यानी कुछ मकसद होनी चाहिए, कुछ शायद आपको एक बेंज कार खरीदना है, चाहे जो भी है, तो उस हिसाब से आपको कुछ 3 साल का भी इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी, कुछ 15 साल की करने होगी। ऐसा नहीं कि खाली सभी पैसे को उसी टाइम फ्रेम पे लगाना है, और बात ऐसी बनती है कि गोल बेस्ड आप कीजिए, और आपके रिस्क एपेटाइट को आप समझिए।
क्योंकि हर व्यक्ति सेम नहीं होता है, किसी का रिस्क लेने का उस सिग्नल के अलावा भी जाके रोड को क्रॉस करेगा, रिस्क टेकर है, कोई तो सिग्नल के लिए सालों तक वेट करेंगे, तो आपके रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन करनी चाहिए, आपके गोल्स जो है उसके हिसाब से फाइनेंशियल सिलेक्शन भी उसी और उस हिसाब से आप निवेश कीजिए, और जब वो टाइम आता है ना तो आप रुथलेसली उसको रिड्यूस कीजिए कि भाई मार्केट ऊपर है नीचे है, उसकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपकी इच्छा जो है गोल जो है वो नॉन इक्विटी रिलेटेड होनी चाहिए। करेक्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ कुछ गाड़ी खरीदना, क्रूज में जाना या रिटायरमेंट का प्लानिंग जो भी आपके पास है, तो टाइम फ्रेम उस हिसाब से डिसाइड कीजिए, बट 3 इयर्स के नीचे आप इक्विटी के ऊपर कोई गोल को प्लान मत कीजिए, ये रिस्क ज्यादा होता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोविड के बाद 1 या 1.5 साल में आईटी सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लोगों के फेवरेट भी हो चुके थे, लेकिन 2022 के स्टार्टिंग से ही आईटी सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई, तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए आईटी सेक्टर में आपका क्या कॉल रहेगा? आईटी सेक्टर की स्टोरी ये थी कि वो एक बड़ी ग्रोथ सेक्टर से एक सेफ्टी सेक्टर बन गई थी प्री कोविड में। कोविड के टाइम में क्या हुआ कि बहुत लोगों को लगा कि वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट, क्लाउड और अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे उसके कारण आईटी का बिजनेस बहुत बूम हुआ, उस हिसाब से वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे, आईटी सडनली एक सुपर ग्रोथ सेक्टर बन गया था, मगर जैसे ही रिसेशन का माहौल आ गया वो सब प्लान्स उनको दिखा कि कोई अभी वो नहीं होने वाला है, और तो उसके कारण आईटी का जो सुपर वैल्यूएशन स्टेज हुआ वो करेक्ट होने लगा, तो ये करेक्शन उसके कारण है, और करेक्शन शायद और थोड़े महीने के लिए रह सकता है क्योंकि अभी रिसेशन का माहौल आगे बढ़ रहा है, मगर अल्टीमेटली एक आईटी सेफ्टी सेक्टर है, तो एक साइक्लिकल स्टॉक या साइक्लिकल की तरह उतना गिरेगा भी नहीं, तो मैं कहूंगा कि आईटी में आप निवेश रहिए, मगर रिटर्न बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और एक मॉडरेट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन आईटी से रखिए, जो कोविड के टाइम में देखा वो एक एक्सेप्शन था। सर, बीइंग अ वेटरन फंड मैनेजर सिंस लॉन्ग, काफी सारे यंग इन्वेस्टर को मैं मिलता हूँ जो डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में बिलीव करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए आपका क्या टेक रहेगा? मैं क्या कहूँगा कि अल्टीमेटली एक फंड मैनेजर क्या मैक्सिमम 2-2.5% चार्ज करता है अपने एक्सपर्टीज और डाइवर्सिफिकेशन के कारण और इकोनॉमी को ट्रैक करना, तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिंदगी में जो कि आपने फिल इट शट इट फॉरगेट किया और परफॉर्म किया। एक जमाने में कोलगेट बहुत बड़ा स्टॉक था, एक था, आज कोलगेट का मामला था, तो एक इंडिविजुअल को अगर करना है तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको शब्द इन्वेस्ट मस्ट यूज कीजिए, अब सट्टेबाजी करना है तो करिए, स्पेकुलेशन के लिए आप कर सकते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क बेस्ड एसेट एलोकेशन, ये दोनों को मिला के आपको क्या होना चाहिए कि एंड रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए, जर्नी भी अच्छी होनी चाहिए, ये खाली आपको एक एडवाइस के थ्रू ही बन सकता है, क्योंकि वो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं आप प्रॉब्लम्स के लिए, तो फाइनेंशियल के लिए भी एक फाइनेंशियल डॉक्टर होता है एडवाइजर, तो उस हिसाब से आपको उसको एक 2% देने में, जब मैं कह रहा हूँ कि 12% जीडीपी ग्रोथ है उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, तो उसमें 2% के ऊपर आप इतना क्यों डर के फिक्र करते हो, आप उसको क्वेश्चन कीजिए, पैसा नहीं तो उसको आप क्वेश्चन कीजिए कैसे कर रहा है, मगर जरूर एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन, आने वाले कुछ सालों में हम लोग ऐसे माइलस्टोन अचीव करने वाला कि इंडिया विल बी अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वो कौन से फैक्टर्स रहेंगे जिसकी वजह से इंडिया वो अचीवमेंट कर पाएगी? मैं ये उसका एक ही कारण बताऊंगा जी, क्या दो कारण समझिए जी, कि एक है फेलियर ऑफ इंडियन फैमिली प्लानिंग, ओके राइट, और उसका कॉन्ट्रा है सक्सेस ऑफ चाइनीज फैमिली प्लानिंग। सिंपल सी बात है कि वर्ल्ड को लोग सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, तो चाइना ने हासिल किया था 2006 से 2022 तक, अब चाइना में उन्होंने फैमिली प्लानिंग जबरदस्त इम्प्लीमेंट किया तो उनकी एजिंग पॉपुलेशन और वर्किंग पॉपुलेशन डिक्लाइन, तो इंडिया के पास एक बहुत बेहतर मौका है क्योंकि हमने कोई फैमिली प्लानिंग नहीं किया, तो हमारी पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन 2050 तक बढ़ते जाने वाली है, तो उस हिसाब से नेचुरल डाइवर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम अ कॉस्ट प्लस लेबर सप्लाई एस्पेक्ट हम इंडिया की ओर शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो ये है इंडिया का बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो किसी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, किसी वर्ल्ड क्रिएशन, कोई ये फंडामेंटल ट्रूथ को अल्टर नहीं कर सकती है कि वर्ल्ड की यंगेस्ट
पॉपुलेशन, स्किल्ड एजुकेशन पॉपुलेशन इंडिया के हाथ में है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, नाम इसको देते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसे कुछ, बट अल्टीमेटली यही है कि जल शक्ति हमारे पास है, वही हमें $10 ट्रिलियन। ओके, तो ये बहुत अच्छी टेक मिली सुनील सर से कि इंडिया का टाइम आने वाला नहीं है, इंडिया का टाइम आ गया है। तो टाइटन योर सीट बेल्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर इंडिया, इन इंडिया, फॉर एवर इन इंडिया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू।